पार्ट 9B के बारे में बात करें तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात किया, जिसमें 243ZH से लेकर 243ZT तक डिस्कशन किया गया है। पार्ट 10 के बारे में अगर डिस्कशन किया तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया ट्राइब एरिया के बारे में बात किया गया है, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक बात किया गया है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, स्टेट और यूनियन का रिलेशन के बारे में डिस्कशन पार्ट 11 में किया गया है, जो कि लेजिस्लेटिव रिलेशन का बात किया गया 245 से 255 और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में जो बात किया गया 256 से 263 के बारे में बात किया गया है। अगर वही पार्ट 12 के बारे में हम बात करें तो इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बात किया गया है। फाइनेंस जो है वो आर्टिकल 264 to 290 के बीच में डिस्कशन होता है। बोरोइंग लेन देन के बारे में अगर हम बात करें तो 292 से 293 के बारे में डिस्कशन होता है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लियाबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स के बारे में बात करें तो 294 से 300 के बीच में बात होता है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले था लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है, और वो जो है अब बात होता है आर्टिकल 300A में। पार्ट 13 में अब डिस्कशन करें तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो जिक्र होता है वो आर्टिकल 301 से 306 के बारे में डिस्कशन करता है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ये जो है वो इसके बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट 14 में सर्विस के बारे में बात करता है, जो कि 308 से 314 में जिक्र है। और PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जिक्र है वो है 315 से 323 के बीच में। पार्ट 14A में डिस्कशन करें तो ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिस्कशन होता है, और ये जो है आर्टिकल 323A से लेकर 323B तक है। अगर हम आर्टिकल पार्ट 5 के बारे में 15 के बारे में बात करें तो इसमें इलेक्शन का जिक्र है, जो कि इलेक्शन का जिक्र पार्ट 5 में है, जो कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आता है। उसके बाद हम पार्ट 16 के बारे में बात करें तो स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेज, कुछ अलग अलग समुदाय क्लास के लिए कुछ अलग अलग प्रोविज़न रखा गया है, जो कि आर्टिकल 330 से 342 के बीच आता है। अगर हम पार्ट 17 के बारे में बात करें तो इसमें लैंग्वेज ऑफ द यूनियन जिसका आर्टिकल 343 से 344 के बीच में है। रिलीजन रीजनल लैंग्वेज जो कि आर्टिकल 345 से 347 के बीच में है। और लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो लैंग्वेज है उसका आर्टिकल 348 से 349 के बीच में है। स्पेशल डायरेक्टिव का जो है वो है आर्टिकल 350 से 351 के बीच में। ये सारा का सारा पार्ट 17 में आता है। पार्ट 18 के बात करें तो इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कि 352 से 360 के बीच में है। पार्ट 19 की बात करें तो मिसलेनियस है, जो कि इसका आर्टिकल 361 से लेकर 367 के बीच में है। अगर हम पार्ट 20 के बारे में बात करें तो इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो पार्ट 20 में आता है, और इसका जो आर्टिकल है वो 368 है, 368। पार्ट 21 के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न है, जो कि आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 के बीच में आता है। पार्ट 12 के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट ऑथोरिटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेलिंग, ये सारा का सारा पार्ट आर्टिकल 393 से 395 के बीच में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडमेंट सेवरल टाइम्स, हमारा जो संविधान है वो बहुत बार संशोधन हो चुका है, इसलिए ओरिजिनल पार्ट जो है वो 22 है, 22 से बढ़कर अब 25 तक हो चुका है। इसमें क्या है तो आर्टिकल अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, जो कि पार्ट 64A है, जो कि 42वां अमेंडमेंट था। फिर 42वां अमेंडमेंट पे ही पार्ट 16A भी है, और 74वां अमेंडमेंट जो है जो कि जोड़ा गया है पार्ट 9A में, और पार्ट 97 में पार्ट 9B में अमेंडमेंट 97 अमेंडमेंट जो हुआ था वो कि पार्ट 19B में हुआ था, और रिमूव किसको किया है तो 7वां अमेंडमेंट को रिमूव कर दिया गया है, जो कि पार्ट 7 में पहले था। सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 जो है वो हमारा डील करता है नेम, भारत का नाम और इसका यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है। अगर हम आर्टिकल 3 के बारे में बात करें तो ये नेम ऑफ द स्टेट फॉर्मेशन और अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्री के बारे में डिस्कशन करता है।
आर्टिकल 13 के बारे में बात करें तो लॉ ऑफ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 14 के बारे में इक्वलिटी बिफोर लॉ पॉपुलरली नोन एज द राइट ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और बर्थ प्लेस। आर्टिकल 16 के बारे में बात करें तो इक्वलिटी इन केस ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 के बारे में बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट टू फ्रीडम पॉपुलरली नोन एज राइट ऑफ फ्रीडम। यानी कि आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत के बारे में बात करता है और आर्टिकल जो 18 है वो टाइटल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम के बारे में बात राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 16 जो है वो इक्वलिटी के बारे में बात करता है जो कि एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं रोजगार करें तो इसमें सबको इक्वली ट्रीट करें। आर्टिकल 19A जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 90B राइट टू पीसफुल असेंबली। आर्टिकल 90C फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल 19D जो है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया। आर्टिकल 19E जो कि फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट एंड रेसिडेंस। आर्टिकल 19F जो कि ओमिटेड एज अ फंडामेंटल राइट गवर्न आर्टिकल 308 जो कि फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया है। अब ये आर्टिकल 300A बन गया है राइट टू ओन पर्सनल प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19G जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस के बारे में डिस्कशन करता है। आर्टिकल 28 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21 जो है वो आर्टिकल ऑफ राइट टू एजुकेशन है। 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन है और 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 जो है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रीजनल फ्रीली। आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 32 है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि सिर्फ गोवा में लागू है। आर्टिकल 50 जो है वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर्म। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 जो है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 72 जो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC दया याचिका वगैरह के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 78 जो है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 85 जो है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करता है। आर्टिकल 93 जो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 100 जो है वोटिंग इन हाउसेज। और आर्टिकल 105 जो है पावर प्रिविलेज ETC ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन करता है। और आर्टिकल 106 जो है सैलरी अलावेंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन है। आर्टिकल 8 में जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 से 110 जो है वो मनी बिल के बारे में डिस्कशन करता है। आर्टिकल 112 जो है वो मैनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में डिस्कशन करता है। आर्टिकल 123 है प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस वाइल पार्लियामेंट इन रिसेस। आर्टिकल 127 अपॉइंटमेंट ऑफ हेड हॉक जज इन द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 139 सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट्स लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 148 टू 149 कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करता है। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 166
पावर ऑफ गवर्नर्स टू ग्रांट पार्डन ETC स्टेट के केस में। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर द स्टेट। आर्टिकल 167 ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जज इन हाई कोर्ट। आर्टिकल 224 ए अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज इन द हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस AIS। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 335 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रांस क्लेम टू सर्विस एंड पोस्ट। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। 356 प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 370 टेम्प्रोरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब हट गया। वॉज द आर्टिकल हेल्पफुल लॉ प्रोटेक्टिंग यू वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन इंडिया। थैंक यू।